अर्पिता और आयुष शर्मा की इफ्तार पार्टी में अगर किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है तो वो सिर्फ शहनाज और सलमान को लेकर है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सितारा आया था, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ धमाल हुआ। सबका फोकस सिर्फ इसी बात पे है कि शहनाज और सलमान की मुलाकात हुई, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा चर्चाएं इस बात की भी हो रही है कि जब शहनाज ने सलमान को गले लगाया और किस किया तो शीरा के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। जी हाँ, और यहाँ पर ये सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि शीरा इतनी आग बबूला हो गए शहनाज को गिल की वजह से। तो यहाँ पर नॉर्मल से बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि शेरा सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं और उनकी जिम्मेदारी है सलमान की सुरक्षा करना, क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे हैं, उनकी हर एक तरीके से देखभाल करना शेरा की जिम्मेदारी है और इस बात को बहुत बेहतरी से समझते हैं। और ऊपर से पेपराजी से वो घिरे हुए थे, लोग भी बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो उन्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत थी और यहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर इस तरह से नजर आ रहे थे, ना कि इस वजह से कि शहनाज ने सलमान खान को इस तरह से किस किया। वेल, सलमान और शहनाज करगिल यानी कि सलमान को फैंस बेहद पसंद करते नजर आ रहे हैं, और साथ ही में शहनाज और सलमान आने वाली सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में भी नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर शहनाज आयुष शर्मा के साथ पैर करती नजर आएंगी। आपका इस पर क्या कहना है, क्या विचार है, साझा कीजिएगा हमारे साथ। और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।